हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ यूकेजी किड्स के लिए हिंदी वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। आप अपने किड्स को इस वर्कशीट की हेल्प से उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों का सही मिलान करें। यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं और किड्स इनको पहचानते हुए इनके नाम के साथ सही शब्द के साथ इनको मैच करना है। ये है जग, जग, बादल, बादल, बटन, मटर, गमला। इस तरह के वर्कशीट की हेल्प से बच्चे जो हैं सही शब्दों के संग सही चित्रों का मिलान करना सीखते हैं और उनको शब्द पढ़ने की भी पहचान होती है। खाली जगह भरो। यूकेजी किड्स को स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना आ जाता है। आप एक बार उनके रिवीजन के लिए क से ज्ञ तक व्यंजन को लिखने कहिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ। इस तरह के व्यंजन और स्वर के रिवीजन से उनको वर्कशीट कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर मात्रा जोड़कर लिखो। यहाँ पर अक्षर और मात्राओं को उनको जोड़कर नया शब्द यहाँ पे जो बनता है वो लिखना है। प आ की मात्रा ल क, प आ की मात्रा ल क, पालक, ख ट म ल, ख ट म ल, ड आ की मात्रा, क छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा, ड आ की मात्रा, क छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा, डाकिया, स प ए की मात्रा, र आ की मात्रा, सपेरा, प में की मात्रा, र में आ की मात्रा, सपेरा, क ब बड़ाऊ की मात्रा, त र कबूतर, क ब बड़ाव की मात्रा, त र कबूतर। इस तरह के वर्कशीट से बच्चे जो हैं शब्दों को सही सही लिखना सीखते हैं, उनको सही मात्राएं लिखने का उनको ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मात्राएं लगाकर शब्द पूरा करो। ये इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं और भ इन यहाँ पर उनको मात्राओं का सही प्रयोग करना है। भ लू, ये कोई शब्द नहीं है। भालू आ की मात्रा, ग म ला आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, राजा, ठ ठ र, ठ में की मात्रा, र में आ की मात्रा, ठठेरा, प प बड़ी की मात्रा, ता, पपीता, ख र ग में ओ की मात्रा, खरगोश, ब में आ की मात्रा, बादल, क ब, ब में बड़ाऊ की मात्रा, कबूतर, म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, माला, ज में ओ की मात्रा, जोकर, छ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, छाता, म में ओ की मात्रा, मोर। इस तरह बच्चे सही शब्दों को लिखना सीखेंगे। चित्र देखकर शब्द लिखो। ये वर्कशीट भी उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बच्चे चित्रों को पहचान कर उनके नाम को लिखना सीखते हैं। छाता, प पी ता, आम, सेब, समय की मात्रा, ब सेब, शलगम, शलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए स्वरों की मात्राएं लिखें। बच्चे सारी मात्राओं को लिखना और पढ़ना यूकेजी में सीख जाते हैं। आ, आ की मात्रा, स्लीपिंग लाइन और एक
स्टैंडिंग लाइन, ये है आ की मात्रा, छोटी ई, छोटी ई शब्द के हमेशा आगे लगती है, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर हाफ कर्व होता है। बड़ी ई की मात्रा शब्द के पीछे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ए, ए, ए में एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ा उ अक्षर के नीचे लगाया जाता है, अंक, छोटा उ अक्षर के नीचे लगाया जाता है। इस तरह वो सही मात्राओं को लिखना और समझना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अलग करें। आप इस तरह के वर्कशीट की हेल्प से बच्चों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का आप सही पहचान करवा सकते हैं। छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। पपीता, पपीता में क्या है? बड़ी की मात्रा है, प पी ता। किताब, क में छोटी की मात्रा, किताब, ये हमेशा अक्षर के आगे लगती है, छोटी की मात्रा। गिलास, ग में छोटी की मात्रा, गिलास। नमकीन, न म क में बड़ी की मात्रा, नमकीन, मछली, म छ ली, ल में बड़ी की मात्रा, मछली। परिवार, प र में छोटी की मात्रा, परिवार। इस तरह से आप और भी ढेर सारे शब्द देकर उनसे छोटी और बड़ी की मात्रा की पहचान करवा सकते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको अगर ये हमारी वर्कशीट हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।